Hey guys, welcome back to the channel. So, क्या हाल चाल आपके? I hope सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया. तो करते हैं बहुत प्यारे से दिन की शुरुआत. आज मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, मम्मी को छोड़ के आऊंगा क्योंकि उधर का घर भी अकेला है. सो मम्मी कह रही मेरे को वहाँ पे छोड़ के आ भाई. सो अभी सचिन आ गया मेरे साथ, आज ये मेरे होम टाउन जाएगा एंड लंच करके हम लोग निकलेंगे. और मैं ड्रोन भी लेके जाने की सोच रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो लेके जाऊंगा. वहाँ फ्लाई करके देखूंगा, अगर जगह मिल गई तो वहाँ पे फ्लाई करेंगे. एंड नहीं नहीं भारी वाली बात नहीं है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉसिबल के ना वहाँ पे जगह मिली है, टाइम ना मिला. रात में तो मैं फ्लाई नहीं करूंगा ना. जंगल नहीं है वहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई जंगल नहीं है वहाँ. तो हाईवे पे है? हाईवे पे उड़ाएगा क्यों? अजीब है भाई, हाईवे पे ड्रोन उड़ाने की चीज है, सोचने वाली बात है भाई. तो मतलब भाई अज्जू जो करेगा वो ये करेगा. तो भाई इसका तो ऐसा चलता ही रहेगा. तो फिलहाल खाना खाते हैं, खाना भी लग गया, मैंने आपको दिखा दिया था ना. हाँ दिखा दिया था, खाना भी लग गया, खाना खा के फिर निकलते हैं. टाइम हो गया कितना? क्या टाइम लग गया? गाना लग गया 1:44, 2 बजने वाले हैं भाई. लंच करके फटाफट से निकलते हैं, सुबह से इधर उधर बिजी थे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे. तो अभी ब्लॉग स्टार्ट किया एंड चलो ये सामान मैं रख के नीचे आ रहा हूँ, फिर आता हूँ. एक बार लिफ्ट खोल दे भाई, बंद कर इसको. हाँ जी, दुनिया भर के फोन आते हैं. वो ले लिया भैया ड्रोन. तो ऑलमोस्ट सारा सामान गाड़ी में रखना है बस, और फिर निकलते हैं. सो भाई पहले ड्रोन का जो स्क्रीन गार्ड है वो लगवा लेते हैं, क्योंकि बिना स्क्रीन गार्ड के चलाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, स्क्रैचेस आ जाएंगे इसमें. तो भैया से बोला कि भाई कोई सही सा स्क्रीन गार्ड लगा के दे दो, ढूंढ रहे हैं. कौन से फोन का लगेगा वैसे? आ जाएगा तो इसकी कटिंग करके लगेगा. कितने रुपए का है ये? लगा दो. ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा था, और मिल रहा था तो भाई वो 5 दिन आने लग रहे थे उसके, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन कल. भैया ये खोल दो बाहर, छतरी गर्मी लग रही है. तो भैया इसके हिसाब से कटिंग कर कुरा के इसको लगाएंगे, एग्जैक्ट फिटिंग पे आ जाएगा ना ये. वो देख लेना, हाँ नीचे से कर दो तो बेस्ट है. सो भाई पुलिस वाले आ गए, इसलिए मेरे को यहाँ से गाड़ी में वापस आना पड़ा. सचिन लगवा रहा है, वरना ये मेरी गाड़ी टो करके ले जाएंगे भाई. बच गई आज गाड़ी. एक गाड़ी वैसे इनके पीछे टंगी हुई है, देखो शीशे में दिखाता हूँ. ये देखो इनके पीछे ऑलरेडी एक गाड़ी है, और ये ऑटो वाले का चालान काट रहे हैं. तो इनका भरोसा कुछ नहीं है भाई, ये कहाँ पकड़ के खड़े हो जाएं, तो इसलिए डर लगता. एक सेकंड का काम है, वो करा के आ जाएगा एंड मैं यहीं पे खड़ा हूँ गाड़ी में. वो कह रहा ये जो अपने आप हो जाएगा. सो भाई उन्होंने लगा तो दिया, जैसे भी कटिंग करके लगाया लड़के ने. और ये कह रहा है ये ना अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग बैठ जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा जैसे हीट, हाँ, हीट लेगा ना तो बैठ जाएगा. ओवरऑल वैसे तो सही लगा, पहुंच के लगाया था. हाँ. तो पहुंच के लगा दिया उसने. मैं तो जा नहीं पाया था यार, क्योंकि पुलिस वाले आ गए थे. सबके कर रहा, सबके चालान कर रहा, मैं इसलिए तो भाग गया था. मैंने कहा भाई निकल रहे, खड़े ना ऐसे भी खड़े उनके भी. हाँ उसने सारी गाड़ियों के जो खड़ी हुई है ना उनके भी नंबर नोट करके चालान काटे. बोला कैसे कैसे चालान कर रहे हो, साइड में खड़ी है? बोले रोड पे खड़ी है, रोड पे खड़ी है. तो भाई G20 के चक्कर में ना बहुत अच्छी तरीके से वोट लगाई हुई है. कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करेगा ना तो उसकी तो शामत आने वाली है भाई.
मैं सरदार की छतरी लगवाया है, मैंने छतरी लगा लिया गर्मी में मार दिया तो निकलते हैं भाई अब यहाँ से, उड़ाएंगे आज इसे, देखते हैं। यहाँ से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम अपने मेरठ। रोड ऐसी टॉपम टॉप बना दी, तुझे नहीं लगता पुराने वाले रोड से अगर हम जाते ना, रोड तो पुराने वाले रोड से तो हवा खराब हो जाती इतना ज्यादा। नेक्स्ट रोड कौन सा खराब है उसे करवा दूंगा मैं। अच्छा दामाद जी लग रहे हो तुम केजरीवाल की लौंडिया पति हुआ कुछ तो ढंग का बोल ले पापा केजरीवाल से। तो एक बार इसको उड़ा के देखते हैं और दिखाता हूँ ये कैसा है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रख दिया एंड ये रहा मेरे हाथ में, जस्ट टेक ऑफ का वो करना है एंड करते हैं। तो ड्रोन हमारा उड़ने को तैयार और हम बहुत बड़े मैदान में उड़ा रहे हैं इसको ये गया तो भाई फिलहाल सचिन उड़ा रहा है एंड ड्रोन हो रहा आ रहे हैं ये ज़ूम। सो फाइनली भाई हमने अपने शहर को कह दिया अलविदा और अब यहाँ से निकल चुके हैं हम दिल्ली वापस। अपने शहर आके पुरानी यादें ताजे हो जाती हैं, जो बचपन में जिस जगह रहे, जिस जगह खाया पिया मजे किए, तो वही चीज सारी यादें जो होती हैं वो ताजा हो जाती हैं। बड़ा मजा आया, सचिन भी था। आज मैंने सचिन को दिखाया कि मैं कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ता था, कौन सी जगह में रहता था, क्या स्कूल तुम पढ़ते थे ना उस स्कूल बराबर मैं भी था सो मैंने उसको दिखाया, सारी चीजें दिखाई, इसे भी बहुत अच्छा लगा, कह रहा बहुत नीट एंड क्लीन एरिया है आपका जहाँ आप रहते। सो भाई ड्रोन उड़ाया, ड्रोन उठा के ड्रोन की फुटेज बहुत अच्छी आई, बहुत क्लियर फोटो आई। मैं आपको और बहुत अच्छा वो हुआ, मतलब मजा आ गया ड्रोन को लेके। ये मिनी 3 मेरे किसी फ्रेंड के पास नहीं था, मिनी 2 तक तो मैंने फ्लाई किया बट 3 को भी फ्लाई करके बड़ा मजा आया। एंड सो अब दिल्ली की तरफ निकलते हैं और गोलगप्पे खाए भाई, बहुत मजा आया। मतलब मैं इतने बार मजा आया बोल चुका जस्ट बिकॉज के मेरे को सच में बहुत मजा आया यार। मैं मिस करता हूँ यहाँ पे आना बट काम के चक्कर में, और अब वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, सब कुछ वहाँ हो गया, तो इस चक्कर में यहाँ पे आना थोड़ा कम हो जाता। बट जो यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं वो कभी भी आपकी मिट नहीं पाएंगी, मतलब जिस जो भी अपने शहर को छोड़ के बाहर जाता है उसकी कभी नहीं मिट पाएंगी और मिटती भी नहीं। सो फिलहाल चलते हैं यहाँ से दिल्ली एंड वहीं पे मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए भाई, ड्रोन उड़ाने में बहुत मजा आया एंड बहुत एंजॉय किया मुझे, मतलब इतना ट्रस्ट नहीं था इस ड्रोन के ऊपर कि इतना बढ़िया परफॉर्म करेगा, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा था। वीडियोस आपने देख ही ली, आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा इसकी परफॉर्मेंस और इसका वीडियो क्वालिटी, सब कुछ बताना। 4K में वीडियो रिकॉर्ड हुई है सारी और 30 FPS में, बहुत बढ़िया लगा एंड मज़ा आ गया। तो भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस ड्रोन को लेके? मजा आ गया। तो भाई आने वाली वीडियोस में तो आप धमाल देखने वाले हो, धमाल मच जाएगी, मजा आ जाएगा। सो इस ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे, टाइम हो गया कितना, 9:43, 10:15 बज गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।